मुरादाबाद में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित हिंदू मॉडर्न इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित की गई, जहां ये बताया गया है ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन स्तर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परीक्षा मुरादाबाद के 39 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। इन परीक्षाओं के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्र प्रभारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा प्रभारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को आमंत्रित किया गया था। एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने पहुंचकर यह विश्वास दिलाया कि परीक्षाओं के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, जो इसके अलावा केंद्र हैं उन पर भी हम लोग पर्याप्त पुलिस बल लगा रहे हैं, साथ ही साथ महिला फोर्स भी वहाँ अवश्य उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जो लोग गेट पर कैंडिडेट्स की चेकिंग करेंगे तो वहाँ पर देखें कि महिलाओं की चेकिंग के लिए कोई एनक्लोजर वगैरह व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि उनकी तलाशी खुले में लेना फिर समस्या वाला काम होता है। तो उसके लिए व्यवस्था कुछ ऐसा कर लें कि महिला कैंडिडेट हैं चेकिंग करने वाला एक तो कोई महिला हो वहाँ, और हमारी तरफ से महिला पुलिस हर उस पर नियुक्त की जा रही है, उसका ध्यान रखा जाए। और बाकी सभी जगहों पर हम लोग एक ऐसा ही है कॉन्स्टेबल, 2 कॉन्स्टेबल और 2 महिला कॉन्स्टेबल न्यूनतम इतना बल लगा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार उसको कहीं अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा हुई तो बढ़ा दिया जाएगा। बाकी और किसी प्रकार की समस्या समर्थक फोर्स को लेकर नहीं है। जो लोग यहाँ से फाइनली जो जाएगा पेपर बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज यहां पर बैठक के दौरान सभी को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक टीईटी की परीक्षा है जो 28 तारीख को होनी है, और उसके संबंध में ये जो टीचर से बनने से पहले की परीक्षा है, और उसी के लिए हम लोगों ने ब्रीफिंग यहाँ पे रखी थी। सभी केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, ऑब्जर्वर्स आए हुए थे। ये 2 पालियों में होनी है, और जो प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा की है, और जो दूसरी पाली है वो उच्च प्राथमिक शिक्षा की है, मतलब 6 to 8 है, 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों की। बिल्कुल, हमारे साथ एसपी सिटी साहब भी हैं, इन्होंने फोर्स लगा दिया है, टीचर्स को भी ब्रीफ कर दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है, और हम आशा करते हैं कि परीक्षा सकुशल संपन्न होगी। बैठक का संचालन कर रहे जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएंगी और सभी कार्य में भरपूर योगदान रहेगा। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, सर मैं विभाग की तरफ से सभी केंद्र व्यवस्थापकों की तरफ से आश्वस्त करूंगा, हम लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी और शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उत्कृष्ट श्रेणियों की परीक्षा कराने में सर आपके साथ हैं, कराएंगे। कोई अनहैपनिंग हम कोशिश करेंगे नहीं होगी, आपको सर शिकायत का भी मौका नहीं मिलेगा। आप सबसे भी हम लास्टली यही अपील करेंगे कि किसी भी कक्ष में कृपा करके एक कक्ष निरीक्षक न लगाइए, किसी बाबू या चपरासी की ड्यूटी न लगाइए। सबसे पुनीत कार्य यह होगा कि प्यालों को आप कमरों में हमेशा भ्रमणशील रखिए, वैसे भी गर्मी सीजन नहीं, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को प्यास लगती है, बच्चा उसमें टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, अगर वो कहे हमें पानी पीना है तो आपका बंदा वहाँ पर पानी लेकर के पहुँच जाए, जनरेटर वगैरह की व्यवस्था रहे। तो बहुत सारे कमरों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, बड़ी परेशानी होती है बच्चों को लिखने के लिए कि हर सेंटर की बात मैं नहीं करता, कुछ सेंटरों पर कुछ कमरे ऐसे जरूर मिल जाएंगे। कितना पैसा लगता है, वो बल्ब अगर आपने लगवा दिया, LED लगवा दिया, ट्यूबलाइट आपने लगवा दिया, तो आपके विद्यालय का ही एक असेट हो गया, पैसा बहुत मिलता है, लगा दीजिए, बच्चे की परीक्षा हो जाएगी, आगे आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो चीज़ काम आएगी।